नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पानी पूरी की स्टफिंग और पानी पूरी के पानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी पूरी की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सफ़ेद मटर लिया है और इसे मैंने रात भर के लिए पानी में भिंगो कर रखा था। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूल चुका है। इसके बाद मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च कूट कर लिया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच काला नमक और सफेद नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम मटर को पकाएंगे, जिसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में मटर को निकाल लेंगे, फिर इसमें लगभग 2.5 कप पानी डाल देंगे। इसके बाद इस पानी में हम बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डालकर मिलाएंगे, और इसके बाद हम इस कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक पकने देंगे। तो अब हमारा मटर पककर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम उबले हुए आलूओं को निकाल लेंगे, और अब इस आलू को एक चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमने आलूओं को मैश कर लिया है, अब हम इसमें उबले हुए मटर डाल लेंगे, और अब इस आलू मटर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, फिर चाट मसाला, फिर कूटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, काला नमक डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिर्च की मात्रा आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार बढ़ाया घटा भी सकती हैं। तो अब ये हमारा गोलगप्पे का स्टफिंग आलू मटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम गोलगप्पे का पानी बनाकर भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप हरा धनिया लिया है, 1/4 कप पुदीना पत्ता लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प, 1/2 चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साबुत जीरा, 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच तेल। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार में हरे धनिए को निकाल लेंगे, फिर इसमें हम पुदीना पत्ता डालेंगे। हरे धनिए की मात्रा का 1/2 हम पुदीना पत्ता लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं, और अब इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत फाइन नहीं पीसा है, ये थोड़ा दरदरा ही है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1 लीटर पानी डालकर मिलाएंगे।
आप देख सकते हैं दरदरा पीसने से कुछ हरा धनिया ऊपर की ओर भी दिख रहा है। अब हम इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक, और 2 चम्मच इमली का पल्प मिलाएंगे। आप चाहें तो इमली का पल्प 2 या 3 चम्मच भी मिला सकती हैं। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप उसे 3 चम्मच भी मिला सकती हैं, और अगर कम खट्टा पसंद है तो 1 चम्मच भी मिला सकती हैं। तो ये हमारा गोलगप्पे का पानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम इस पर हींग का तड़का लगाते हैं, जिसके लिए हम एक तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें जीरा और 1 चुटकी हींग डालेंगे, और इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। और अब इस तैयार तड़के को हम गोलगप्पे के पानी पर डालेंगे। तो अब हम इस तड़के को इस पानी पर डालेंगे और फिर इस पानी में अच्छी तरह से इसे चलाकर मिला लेंगे। तो अब हमारा तड़के वाला ये हींग का पानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब हमारा गोलगप्पे का स्टफिंग और गोलगप्पे का हींग तड़के का पानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।